और अब यहाँ ने टोपी बनाई बक्कल उधेड़ के, जैसे अच्छो सो जमींदार मछी को बना लिया करे टेंट बैठक ले। हार याने आका हरा फल बांध हार, ई हौज पे जाके पहुंचो और ग्राम कूदो। जाते जाते ही हार कौवा की सकल हो जावे, लाल फल लग रहा, याने लाल फल खाया थोड़े, इंसान का रूप में हो जाए। हार निखा करके देखे तो फण फुला के सरप खड़ो है, जो हौज की रखवाली हो। बोलो भाई टोपी की अजमान से भी आ जाएगी, और या ने टोपी वो ढीरी और या ने डंडो सुतकारो। पटके बिस्मिल्लाह स्वाप जीव तो निकाले लपर लपर बजाय दिखे नाई के, हाँ बड़ी दीख तो जाए तो ना रहो, और या ने जात के डंडो दियो प्राग दली। सांप की निकल के जान कोई डेढ़ हड़ाई दूर जा खड़ी हुई, बोलो भाई कटको कलिया। हाँ। बांध के फलन में अब याने हल्ला बोली, क्या काम करते हो, कहां जाके पहुंचते हो? 50 कोस पे गोरा महादेव का कुंड भरा पड़ा। ये बोलो के यार बहुत दिन होगा तुम्हें नहाए भी अन्य, आज तू ये काम कर नहाई दे। साजन मलूक सोटा है, फलन ने तो ये घाक धर दिए, टोपी उतार दे। बच्चे देनी थी युवा में कूद पड़े, महादेव का कुंड भूल जाए गोरा का में। निघा करके देखा तो मर्दाना सराजाम को पतो भी ना है, आर जनानी बन के तैयार हो जा। बीमारी होगी बीमारी, मूछन को पतो भी ना है, सुपलचट तेरा भला हो जा, तेरा भाई बहुत जटीपुरी हुई तेरे साथ, कोई धीन में ही ना रहो। हूं यक दानो आयो और ए आका मही कू कैडो लखायो, लखाते लखाते ही पेट में बालक रह जावे बच्चनी सी। और या के दर्द उठा, दानो बोलो कि मैं शिकार खेल के आओ, इतने ही दे चलो मत जायो, कि ना मैं कहां जाऊं छोड़ा। ये बोलो कि थोड़ा बहुत जटी हुई तेरे साथ, हर ई भगो महादेव का कुंड में कई एक बालक तो ई होगो बच्चनी बालक हो जावे, और फिर जाने कहा करेगो, फिर बालक होएगो, फिर जाने कहा करेगो, ने कितना बालक होएगा, या से तो मरना ही बेहतर है। और महादेव का कुंड में जाकर हैनी ग्राम देनी कूद जावे, और ई ऊपर कुआए या के पानी ने उछाड़ा दी, और याने निहाकर देख दे थर थर मूछ करनी। हाँ हार वही ताजन बलूक बन के तैयार हो जावे, और याने टेट पे टोपी रखी, दानो देख तो रह जावे 50 कोस की उड्डाण मारे। निघा करके देखे तो एक तपेश्री तपरो है, जाके है नी या का पाउंड में पड़ जाए। गुरुजी आदेश, गुरुजी आदेश। ये बोलो बच्चा याने 6 महीना 12 साल की नींद भर रखी, मियां साहब ने कमाई कर रो पूरी, तड़वा में के डब सूट चली, ताड़वा में के फूट जावे, पटकन में डाब फूट रिया खाना, पर या की 12 बरस की नींद पूरी। अरे बच्चा बहुत सेवा करी, मांग क्या मांगा, केना गुरु जी आपको दियो सब कुछ। अबे के मांग, के ना गुरु जी आपको दियो सब कुछ है। अबे के मांग, के ना गुरु जी आपकी दुआ मेरे साथ होनी चाहिए, हाँ के दुआ तो मेरी आपके साथ है, बाकी कुछ मांग ले, यहां से आगे देवदाना की हुकूमत है, तुझे अभी बहुत जीना है। और
नजर कैद कर दिए यज्ञी माता, यारी रिश्तेदार इनमें खबर करते हैं वे। कोई एक रात डटे, कोई दो रात डटे, देख देख के सब वापस हो जाना। हाँ, शहारम का मुलक सूजा की बहन भी चलती हो जाया की सुनकर है नी रोहब जा परी। क्या काम कर तो हैरिया ने फिर पड़ कड़ी के बांधा, टेंट पे टोपी ढकी। गुरुजी बोलो के देखो, जैसे तो मैं मिलो हूं ऐसा बहुत तपेसरी मिलेगा, समझ के रही हो काई के पेश मत चलो जाए, और नहीं सारा सत्य उतार जाएगा। हाँ, साला की चीख भी ना निकलेगी के भाई गुरुजी ना जासू, जासू तो ऐसे कह दे। रिया ने कड़ी के फल बांधा, रिया ने 50 कोस की उड्डाण मारी। निगाह करके देखे तो फरतू दानो बैठा, 3 दिन को भूखो और जम्हाई आलिया को बैठे बैठे के भाई कोई अल्लाह ताला शिकार भेज देवे तो बढ़िया बात है। याने समझी भी बाबा जी है, याने समझी कहीं भी कोई तपेसरी है। जाकर है नी गुरु जी आदे, दानो बोलो के आए और नजीक आ जान दे, जो तेरा कब्जा में आ जावे। जैसे छिपकली बैठ रहे माँ चरण को, टोपी हटा दे, नजदीक चलो जावे। और याने पावड को हाथ चलायो और फरतू दाना ने मुंह फाड़ो, सारा सट्टे निगल जावे, डाट भी ना लगावे। और हूं गुरु कुकरा मात सु मालूम पड़ी के तेरा बाल काय को दानो खागो, और इले सोटार ई दौड़ो 7.5 किला की गुर्ज को लेके हनी रबिया ने हल्ला बोली। अरे फरतूत, हाँ ही कोई आदम जात आयो कि ना गुरुजी, ही तो कोई आयो। अबे उल्लू का पट्टा मेरा बाल काया, यहाँ तेने खा तो ना गिरायो के ना गुरु जी, तेरो दिल चाह जाके कसम खवा ले, मैं तो आखन सुबिना देखो। झूठ बोल रो बाहर निकाल। अबे उल्लू का पट्टा झूठ बोल रो है, तेरे सिवाय और कौन कहीं खा सके, नो के ना गुरु जी मैंने ना खायो, खा निकाल दे के ना खायो। और याने गुरुज उठाई, हर दनी बाहर आ पड़े, पीड़ो जर्द हो जावे। ताजन मलू रुई का पहलन में ले रहे अब, जब ही होश हवास में हो जावे। अरे ताजन मलूक, हाँ मैंने कहा कही तो सु, तेरी समझ में बात ना बैठी मेरी के भाई गुरु जी माफी दे, ही सुगे काई के पे जब भी ना जाऊं तो को भी सलाम ना करूं। जान कहा के तो ये काम, ये देवदानन का मुलक है, और जाने कितना देवंशु टकराव होएगा अभी तो तेरो, ले तू मेरा हाथ को आसो ले जा। गुरुजी आसा में कहा वो सब है। अरे ताजन मलूक, मेरा आसा में बहुत तगड़ो सब है, 2000 दाना ने मार के वापस तेरे पास आ जाएगा। क्या तो अपना आशा गुदेता है, क्या दाता की सभा होंगी। Thank you.
भगवत पिता अरा आसो ले जा बाबुड़ा है और सुन बच्चा तो सो कहूं दिल में मत कर सोच विचार मेरो आसो ले ले हाथ में दाना मारे गो 2000 2000 दाना ने मार के वापस तेरा हाथ में जाए और तो को खतरा ना रहेगी जहां कहीं ज्यादा मुसीबत आ जावे के भाई बहुत अच्छे गुरु जी बड़ो श्याम आशा दे दे और अबिया ने फिर कड़ी के फल बांधा टोपी ओढ़ी और या ने 50 कोस दूर जान मारे और 50 कोस पे जाकर है नी देखे तो एक मेहरबानी बैठी बैठी दालन मरवरी है तो जानना या कि आवाज को सुन के क्या तो टोपी को उतार तो है क्या कह तो है देर सुनते हुई आने जब टोपी दीन है गेर और निगाह करके देखें तो बेरमानी दालानन में बैठी बैठी रुवरी है बोलो को तेरी बहान की सी ही उजाड़ दिया मान में बेरमानी कहां सुवागी और ई आके नजदीक निगहा करके देखे तो याकु दाल और चावल दे रहा कि इतने में शिकार खेल के आऊं इतने आधा आधा कर बीण बीण कर है नहीं। कोई बिहारणी गुलबकावली परी की बहान ही रोब जा परी अच्छा परी ही हाँ और जल जला दानो शिकार खेलन को गयो जल जला का मकान में पहुंच जाए जाके है नहीं। बड़ो भेंडो देओ या के निगहा पड़ो ताजन मलूक हे के तू कैसे रुवरी हा कौन हा तू अरे के सत्यानाथ चाहे मैं कोई भी हूं तू ही मोसु कहा मतलब पर तू कौन हा तू कौन हा तू भग जाही सो के भग जाऊं के हां जय दलजला दानो आगो
तो चार दानान के मार गए एक तुआ को ही, चार शिकार तो लाए गो हूसू और पांच वो तुहा, पांचन को कले वो करे हैर वजीना की लगा बंधा। हाँ ये तो वाका एक को हैरान ना होना पड़ेगा, काई को तेरी दिशा लग रही है, निकल जा रहा उल्लू की पट्टी, मेरी बात सुनियो जाना क्या कह रहा है दादन मेरे ऊपर। मेरी करे शिकार वो को सत्य बता दे कैसे तू रोई भी जार बेजार के मेरी शिकार दान सुरो कोई पैदा ही ना हो जो मेरी शिकार कर जावे। पर तू मोकुनु बता तू जार बेजार कैसे रो रही है, तो पे कहा मुसीबत है मेरी पूछा तुम कहा ओ सत्यानाशी मेरी तू कहा पूछा मेरी सुनियो तो जाना क्या कहती है। जला देव मोए ठाड़ सो कख्या के लिया यो अब इन चावल दाल देखो के इन छांट के धर दियो रे दारी की आड़ में पांव लटका दू या का चक्कर में आ रही हूं मैं तो छोन कहा और कहा करूं मेरी बात सुनियो तो जानना क्या कहती है परी। Oh,
पूछना भी चले हैं जू अपना कर मन को मैं रही जाने मेरे कहा लिखी है भी और लार कैद में गेर दी मेरो चले न जोर अपना कर्मन को मैं रो रही जाने मेरे कहा लिखी है और पर सत्यनाथ तू काय को अपनी जान झोका तू भग जा मैं तो सुवच्छी कह रही हूं एक रूहब जबरी हां गुलबकाली परी कहा लगे तेरी के मेरी बहन है सौ पर कही है मैंने तो तेरी समझ में ही ना आ रही बात अरे के तेरी बहन किसी है तो रिश्तेदार निकल आई पक्की वाय काम बन गो भाई हरा के बाकी माँ की दूसरा दाना की जो तेरे आंगली भी अड़ा जावे रूहब जा परी बोली की जागी मौत और नजदीक आ गई मरे गई अरे तू भग जा के खुदा की सुचिंता ही मत करा चावल की खिचड़ी पका ले डुअकरी मुझे भूख लग रही है चावल की खिचड़ी पकवा गिरावे भाप के खावे और याद ताड़ के दी ठड़ी सू जबरी सू खेच के लिए जा रूहब जा परी है इतना ही मैं जल जलो दे निगाह करके देखे खींचने की हांडी बिना धुई सनी पड़ी के बाद डोकरिया तो खा पी के है नी मस्त होके गई है अब सुरी जाएगी कहां और याने दिहे बढ़ाई 70 दो 72 गज को बन जावे निगाह करके देखे तो 3.5 तो आदमी ताड़ी ले जावे और या ने आवाज मारी अरे कांडुआ करा की कहां जा रही हा जानना है देसू सूरी हमारी शिकार के साथ जा रही है तीन चार डग धरी बच दिन पहुंच जा और ताजन मलूक ने आ तो देखो और या ने टेंट पे टोपी ढकी दीख तो बंद हो जा दानव बोलो रे कोई खड्डक ना जम बढ़ गो कोई रूख ना जम चढ़ गो कोई झोंक तो ना जम बढ़ गो बहुत जुलम होगा रोहब जापरी के जाच के तमाच दियो थर्ड देरी चल कहां को जा रही है ताड़ के आगे कर ले वे और बाय अनिल में का झूठ बोलू ताजन मलूक पई दूर खेत आगे निकल जाए इन सु एक पतली सी पगडंडी आ जावे वहां पे जाके खड़ो हो जाए और दानो या के बराबर आयो और या ने सराजू दरखत को सोटो संगवायो बिस्मिल्लाह भूल जावे पर या ने जाच के सोटो दियो तड़ी को दानो कोई पान शेर तो भूडे खा जावे पाँव बिना हलावे सांस भी कानन के जरिए लेके जेते ने सांस भी ले लो जाए पतो पड़को अब के और मार दियो तो मुल्के लोग पहुंचा देगो और जाने कागज में सु जेब में सु कागज निकालो और जाने चिट्ठी लिखी तो जानना रोदा पे बाण को चढ़ा तो है तो जानना क्या तो सब शहर को भेज तो है क्या कहता हूं
अरार व कर भी मारी ही तीर। अरा जब सुन दाना तम सु कहूं, अरा और सैंती पे चिट्ठी लिखी याने रोकर मारी है ट्यार। सुन दाना तमसु कहूं मैं तो लियो भी ग्रह ने घेर। ओ भैया जल्दी आओ, बहुत मुसीबत। कहां पहुंचती है सेंटी जाके सब शहर में लंगड़ा देव के पास, नगता देव के पास। तो नगतो देव हो हर बहुत जबरदस्त दान हो। अस्सी हजार दानान की एकला में जान ही मामूली दानो नहीं हो तो जानना हर क्या। तो 80,000 पे आकर फटती है, क्या दानो चलता है। हरा हूं देवन ने हल्ला करी, अरा दल जादन आयो 80,000 80,000 दानान सुवाई भगत आ जावे नकटो दियो गर्द गुब्बार मच जाए। हा दल बादल छा जावा दानान का ताजन में लोग बोलो भाई अन्याय होगा भाई, अगर देखी जाए कोई बात नहीं। और लंगड़ो दियो बोलो नकटो दियो जल जला। हा है कहा चक्कर भाई, अरे के वाड़ी पूछा मत के अन्यायी तू बावलंडी इतना। हा कहीं तेरे पियाई एक शिकार है, एक बैरबानी खड़ी है, या चाहो तू हमको दे दे, चाहो तू आप ले, या के मारे बुलाया तेन हम। अरे भैया ये बैरबानी ना है तो कहा है तेनों कही, फौज है तो ये है, मौत है तो ये है, और लड़ाई है तो ये है। अरे क्या रहन दे पागल कहीं। तू या उजाड़ में वो सही पड़ोगा, मैं तो तुझे कोई इंसान समझो। तू कहे तो सूर्य ही पकड़ लाऊं या बेरबानी में के भाई नगता देव तक, मैं तो कोई असर आए ना। मेरी बात सुनियो तो जानना क्या कहे तो है जल्दी ना। दोस्तों ये जो आप ताजन मलूक की बात सुन रहे हैं, ये आवाज है मास्टर हमीद खान की, नैनापुर के निवासी, और ढोलक बजा रहे हैं सफी मोहम्मद, भटका बजा रहे हैं शेर मोहम्मद, घुंगरू बजा रहे हैं दयाल चंद, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भीम भाई साहब, और इस प्रोग्राम के मालिक हैं अनिल कुमार,
सम्राट स्टूडियो के मालिक पिनंगवा, याद रखिए आपको तरोताजा और फर्स्ट क्लास प्रोग्राम मिलेगा सम्राट स्टूडियो से पिनंगवा। धन्यवाद। हरा मैं बात भी कहूं समझा।